हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट इंडियन फोटोग्राफर। आज हम बात करेंगे ऑटो फोकस मोड्स की और जानेंगे कि कौन सी परिस्थितियों में कौन सा मोड यूज़ करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑटो फोकस मोड्स किसी भी फोटोग्राफी में सबसे ज़रूरी चीज़ होते हैं। आप सब्जेक्ट को जब तक अच्छे से फोकस नहीं करेंगे तब तक उस फोटो का मतलब नहीं रहेगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग फोटोग्राफ्स में सही से फोकस में होना बहुत ज़रूरी है। यही फोकस आपके फोटोज़ को बाकियों से अच्छा बना सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपके DSLR में 3 ऑटो फोकस मोड्स होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑटो फोकस मोड है जिसकी हम बात करेंगे वो है AFS, या जिसको हम ऑटो फोकस सिंगल भी बोलते हैं। ये मोड आपके DSLR का एक ऐसा फीचर है जिसमें आपका कैमरा किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब तक फोकस करेगा जब तक आप उसका फोकस लॉक नहीं करेंगे। DSLRs में शटर रिलीज बटन को अगर आप हाफ प्रेस करें तो आपका फोकस लॉक हो जाता है। वही चीज आप ऑटो फोकस लॉक बटन से भी कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका कैमरा एक बार फोकस किसी भी ऑब्जेक्ट पे लॉक कर दे तो वो फोकस चेंज नहीं होगा। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि EFS मोड जब भी आपको यूज करना है तो ध्यान रखना है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो हिलता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो हिलेगा तो उस पॉइंट से फोकस हट जाएगा और आपका सब्जेक्ट है वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। दूसरी जो फोकस मोड की हम बात करेंगे वो है AFC, या जिसको हम ऑटो फोकस कंटिन्यूस भी बोलते हैं। ये मोड आप तब यूज करेंगे जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि आपका कैमरा फोकस लॉक नहीं करता है और वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा ट्रैक करेगा, और जैसे जैसे वो फोकस की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी आपका कैमरा भी उस हिसाब से फोकस उसके चेंज करेगा। ये जनरली मूविंग चीजों पे, जैसे कार के फोटोज आप ले रहे हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में ऐसी सिचुएशन में यूज होता है। तीसरा जो ऑटो फोकस मोड आपके कैमरा में होता है वो होता है AFA, या जिसको हम बोलते हैं ऑटो फोकस ऑटो। ऑटो फोकस ऑटो एक ऐसा मोड है जो आपका ऑटो फोकस सिंगल और ऑटो फोकस कंटिन्यूस का हाइब्रिड होता है। ऐसी कोई कंडीशन जिसमें आपको पता नहीं है कि आपका सब्जेक्ट मूव करेगा या स्टिल रहेगा, ऐसी कंडीशन में आप AFA या ऑटो फोकस ऑटो मोड यूज कर सकते हैं। ये मोड ऑटो फोकस सिंगल और ऑटो फोकस कंटिन्यूस में स्विच करता रहता है। अगर आपके कैमरा को लगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टिल है तो वो खुद ऑटो फोकस मोड ऑटो फोकस सिंगल पे चेंज कर देगा और फोटोज लेगा। लेकिन जब भी आपका कैमरा ने डिटेक्ट किया कि आपका जो सब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तब वो फोकस मोड को ऑटो फोकस कंटिन्यूस में चेंज कर देगा और फोटोज लेना स्टार्ट करेगा। तो AFA या ऑटो फोकस ऑटो एक ऐसा मोड है जिससे कि आप सेफ साइड पे रहेंगे। तो ये मोड को आप यूज करते हुए मैक्सिमम चीजों को फोकस कर पाएंगे। चौथी जो सेटिंग आपको अपने ऑटो फोकस मोड्स में दिख रही होगी वो मैनुअल फोकस की होती है। इसमें ऑटो फोकस कोई काम नहीं करता और आपको लेंस को खुद ही मैनुअली फोकस करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है मैं आपको बता दूं कि ये तीनों मोड अगर आप सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस एरिया सेलेक्ट करें अपने कैमरा में, क्योंकि सब मोड डायनेमिक एरिया ऑटो फोकस या 3D टाइप ऑटो फोकस में काम नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको समझ आएगा, सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस आपका सिंगल पॉइंट के ऊपर ही फोकस कर सकता है। अगर डायनेमिक एरिया ऑटो फोकस हुआ तो कैमरा को समझ नहीं आएगा कि कहाँ फोकस करना है। वैसे ही कंटिन्यूस ऑटो फोकस में अगर आप सिंगल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कैमरा को बताना पड़ेगा कि कौन से फोकस पॉइंट पे कैमरा फोकस स्टार्ट करेगा। तो आपको सही रिजल्ट पाने के लिए कोई भी ऑटो फोकस मोड में सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस एरिया सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको अब ऑटो फोकस मोड से प्रॉब्लम नहीं होगी और आप एकदम तैयार हैं किसी भी फोटो को सही से फोकस में लेने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से अलग अलग ऑटो फोकस मोड्स को समझने में कुछ मदद मिली हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं। मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा।